गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू TSM स्कूल। क्लास 7 सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में पंखुड़ी हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 18 वाक्य विचार पाठ का अध्ययन करेंगे। वाक्य विचार के बारे में अध्ययन करेंगे आज अपन। जब हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम उसके लिए वाक्यों का सहारा लेते हैं। यद्यपि वाक्य भिन्न विभिन्न शब्दों या पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है। आपको इतना पता है कि शब्द होते हैं, शब्द से ही क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। इतना तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई सबसे पहले अपन वर्णों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद अपन शब्द बनाना सीखते हैं, फिर शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है, और वाक्यों से ही अपन क्या करते हैं, जो अपने मन की जो बातें होती हैं वो एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जो अपने भाव होते हैं, जो अपने विचार होते हैं वो अपन एक दूसरे को बता सकते हैं। किसके माध्यम से? वाक्य के माध्यम से। और जो शब्द होते हैं उनका जो अर्थ होता है वो भी अलग अलग होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर एक व्यवस्थित क्रम में मिलकर ही एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं, जिसे शब्द समूह से बोलने वाले का आशय ही स्पष्ट ना हो वह वाक्य नहीं हो सकता है। मतलब आपने कोई भी शब्दों को उठा लिया और उनको बना लिया, ऐसा नहीं होता है, उस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, वो अपने लिए अर्थहीन हो जाएगा। मतलब वो स्पष्ट किसी को अपन बता रहे हैं तो अर्थ, जब उस वाक्य का अर्थ ही प्रकट नहीं होगा तो वो अर्थ कोई मतलब ही नहीं वाक्य बनने का, तो वाक्य बनाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अपना। जैसे यशोदा माता पाला को कृष्ण ने था, इस शब्द समूह को शुद्ध वाक्य नहीं कहा जा सकता कि यशोदा माता पाला को कृष्ण ने था। जिसको कोई समझ में आया? नहीं आया ना वाक्य, तो ये शब्द जो समूह है वो कैसा नहीं है, शुद्ध नहीं है, अशुद्ध रूप में है। अभीष्ट का अर्थ का बोध कराने के लिए जो अभीष्ट शब्द अर्थ का जो होते हैं, मतलब जो सही जो शब्द होते हैं उनका बोध कराने के लिए शब्दों में एक क्रम व्यवस्था का होना अनिवार्य होता है। मतलब जब अपन वाक्य बना रहे हैं तो उनके जो शब्द होंगे अपने वो एक क्रम में होने चाहिए और एक व्यवस्थित रूप में होने चाहिए। जैसे माता यशोदा ने कृष्ण को पाला था, तो ये शब्द क्या है, शुद्ध है या नहीं है ये जो वाक्य है? इस शब्द में क्रम से वाक्य का अभीष्ट अर्थ प्रकट हो रहा है, मतलब पूर्ण रूप से अर्थ पता चल रहा है अपन को। किसी को अपन बता रहे हैं वाक्य के द्वारा कि माता यशोदा ने कृष्ण को पाला था, तो इस शब्द से के क्रम से, जैसे माता क्या है, शब्द हो गया आपका, यशोदा ने कृष्ण को पाला था, तो ये पूरा जो शब्दों को अपन ने जोड़ के क्या बनाया, वाक्य बनाया। तो इनका जो क्रम रखा अपन ने, जो इनको क्रम में व्यवस्थित किया, उससे क्या हुआ, अपना जो एक अर्थ निकलना था पूर्ण रूप से वो अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए ये शुद्ध वाक्य है। अतः कहा जा सकता है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसके अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है वह क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। मतलब सार्थक शब्दों के समूह को व्यवस्थित रूप से लिखना क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसके अपेक्षित मतलब अपन को इसकी अपेक्षा मिल रहा है, अर्थ क्या मिल रहा है, अर्थ जो हो रहा है पूर्ण रूप से प्रकट होता है, उसे क्या कहेंगे, अपन वाक्य कहेंगे। आई बात समझ में? वाक्य के दो अंग या खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले अपन उद्देश्य पढ़ेंगे। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उद्देश्य का मतलब होता है कि भाई जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है तो अपना क्या हो गया, उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे ही वाक्य का क्या कहेंगे, अपन उद्देश्य कहेंगे। वाक्यकर्ता और कर्ता के विशेषण वाक्य के उद्देश्य कहलाते हैं। जैसे कवि
खाना खा रहा है। तो कवि क्या है इसमें? उद्देश्य। कवि क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। मेघना नृत्य कर रही है, तो मेघना क्या है? उद्देश्य, अपना जो क्या नृत्य कर रही है। क्योंकि वाक्यों में कवि और मेघना के बारे में कहा जा रहा है, अतः दोनों क्या हैं? उद्देश्य हैं। मतलब अपन जिसके विषय में बात कर रहे हैं अपन, या जिसके विषय के बात बात करनी है अपन को, तो वो क्या होंगे? अपने उद्देश्य होंगे। दूसरा है विधेय, जो दूसरा जो भेद है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मतलब उद्देश्य, जिस मैंने बताया उद्देश्य को, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो तो उद्देश्य हो गया, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कवि खाना खा रहा है, अब यहाँ पर खाना खा रहा है तो कौन? कवि कौन था? उद्देश्य। और किसके बारे में कह रहे हैं अपन? खाना खाने के लिए कह रहे हैं, तो ये क्या होएगा? विधेय। मेघना नृत्य कर रही है, तो नृत्य कर रही है ये क्या है? विधेय। उद्देश्य कौन है? मेघना। उपयुक्त वाक्यों में कवि और मेघना उद्देश्य हैं, और खाना खा रहा है और नृत्य कर रही है विधेय, क्योंकि इनके द्वारा कवि और मेघना के बारे में कहा जा रहा है। वाक्य के भेद, भेद हैं वाक्य के वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। सबसे पहले अपन करेंगे रचना, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे साक्षी घुड़सवारी सीख रही है, मैंने गिटार बजाया, तो ये कौन सा होगा? विधानवाचक वाक्य। फिर दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के निषेध ना होने या ना करने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रानी को कंप्यूटर नहीं आता, पीयूष व्यायामशाला नहीं जाता। जहाँ पर क्रिया का कोई मतलब हो ही नहीं रही है, क्रिया ना होने पर या ना करने पर, वहाँ पर क्या होगा? निषेधवाचक वाक्य होगा। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या आप मुझे जानते हो, आप क्या कर रहे हो, जहाँ पर अपन प्रश्न कर रहे हैं वहाँ पर क्या होगा? प्रश्नवाचक वाक्य होगा। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय हर्ष घृणा शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयादिवाचक कहते हैं। जैसे आ माँ ने स्वादिष्ट खाना बनाया, तो क्या हुआ ये? हर्ष सूचक मतलब खुशी वाला। छी यहाँ कितनी गंदगी है, घृणा सूचक। अरे नाना जी आए हैं, विस्मय सूचक। अभी अपने इससे पहले जो पाठ पढ़ा था अपन ने अव्यय, उसमें भी विस्मयादिवाचक जो अव्यय आए थे तो उसमें भी यही बताया गया था कि जहाँ पर हर्ष घृणा शोक आदि जब भाव प्रकट होते हैं वहाँ पर, मतलब उन शब्दों से जैसे बताया था चीज अरे, ये सब क्या होते हैं? विस्मादि अव्यय होते हैं। तो इसमें ये अपन को माँ ने स्वादिष्ट खाना बनाया, तो ये वाक्य बनाया अपना, ठीक है ना? तो ये यहाँ पर आएगा विस्मयादिवाचक वाक्य। पांचवा है आपका आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा आदेश या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शाम बाजार से मिठाई लाओ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आदेश देना। प्रिया ये पुस्तक अलमारी में रखो, तो ये आदेश हो गया। तो ये सब क्या हैं? आज्ञावाचक वाक्य हैं। फिर है आपका इच्छावाचक वाक्य, जो आपका छठा है, जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान ने चाहा तो आप प्रथम आएंगी, आपकी यात्रा मंगल में हो। फिर है आपका सातवां संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने या होने में संदेह या संभावना होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लगता है शाम को बारिश होगी,
संभावना जहाँ पर अपन को संदेह हो रहा है, एक संदेह का अनुमान हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा? संदेहवाचक वाक्य होगा, शायद आज हम घूमने जाएं, तो वहाँ पर क्या होगा? संदेहवाचक। अब आठवां है आपका संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। निर्भर मतलब डिपेंड होना। यदि आप थोड़ा पहले आते तो आयुष भी मिल लेता। अब इसमें संकेतवाचक हो गया ना कि यदि आप थोड़ा पहले आते तो आयुष भी मिल लेते, तो ये क्या हो गया? निर्भर हो गया, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना। अगर समय पर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो ये क्या हो गया? एक क्रिया का दूसरी क्रिया में क्या होना? निर्भर होना या डिपेंड होना। तो ये अपन ने पढ़ा अर्थ के आधार पर, वाक्य पढ़े अपन ने। अब रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जब जिसका उद्देश्य भी एक ही होता है और जो विधेय होता है वो भी एक ही होता है, तो वहाँ पर क्या होएगा? सरल वाक्य होगा। जैसे मोनू रो रहा है, तो इसमें उद्देश्य कौन है? मोनू, और रो रहा है क्योंकि वो खुद ही है, स्वयं के बारे में मतलब उद्देश्य के बारे में ही बात करते, तो विधेय भी क्या? रो रहा है। तो यहाँ पर क्या होएगा? सरल वाक्य होगा। उसे तैरना आता है, ये भी क्या होएगा? सरल वाक्य। दूसरा है रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य, जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक जो सरल वाक्य होंगे वो किससे जुड़े होंगे? संयोजक से। उसे क्या कहेंगे अपन? संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे विजय की साइकिल गुम हो गई, ये संयुक्त वाक्य, इसलिए वह दुखी है। इसलिए, अब संयोजक क्या है इसमें? इसलिए वह दुखी हो गया, वह कौन? विजय। तो दो से दो, दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़ गए और इसमें संयोजक भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या है इसमें? संयोजक। तो यहाँ पर क्या होएगा? संयुक्त वाक्य होगा। उसने खाना खाया और वह सो गया। उसने खाना खाया तो सरल वाक्य हो गया, वह सो गया वो भी सरल वाक्य। अब इसमें संयोजक क्या है? और। तो यहाँ पर क्या होएगा? संयुक्त वाक्य होगा। आई बात समझ में? फिर है आपका मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में से अधिक उपवाक्य होते हैं उनमें से एक प्रधान तथा अन्य गौण होता है उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे रोमा वह कहानी पढ़ रही है जिसे शिक्षिका ने याद करने को कहा था। मतलब प्रधान कौन सा हो गया? रोमा वह कहानी पढ़ रही है, पर अन्य गौण हो गए कैसे? जिन शिक्षिका ने याद करने को कहा था, तो वहाँ पर क्या होएगा? मिश्रित वाक्य होगा। रणजीत ने कहा कि वह कल झांसी जाएगा। अब रणजीत ने क्या कहा? जैसे ये क्या हो गया? प्रधान, रणजीत को प्रधान हो गया, और इसका जो गौण है वो कौन सा है? वह कल झांसी जाएगा। तो यहाँ पर क्या होएगा? मिश्रित वाक्य। तो आज हमने वाक्यों का अध्ययन किया है, वाक्य विचार का। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसके अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो खंड बताए, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कौन होता है? जैसे वाक्य के जिस रूप के बारे में कुछ कहा जाता है उसे उस वाक्य को उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। फिर वाक्य के भेद हैं अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने बताए? आठ। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ये कितने किसके आधार पर बताएं? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर बताएं? अर्थ के आधार पर। फिर रचना के आधार पर तीन वाक्य बताएं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो आज हमने वाक्य विचार का पाठ का अध्ययन किया है। धन्यवाद।